किसान के खेत में भड़की भीषण आग, चपेट में आई झोपड़ी में चलकर राखा 80,000 का नुकसान। शिवपुरी जिले की नरवर तहसीलदार क्षेत्र ग्राम पंचायत सोनहर के माचरा भैया में शुक्रवार की रात एक किसान के खेत में आग लग गई। इस घटना में किसान के खेत में बने भूसे के कोप सहित झोपड़ी चलकर खाक हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर परिषद नरवर की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसान सेवा चाचा ने बताया कि रात में घर के बाहर सो रहा था, उसकी आँख खुली तो उसकी झोपड़ी में आग भड़की हुई थी। इसकी सूचना तत्काल सरपंच ब्रजेश व्यास को दी थी, जिन्होंने फ़ोन कर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया था, तब कहीं जाकर आग बुझ सकी थी। सेवाराम ने बताया कि सबसे पहले आग भूसे के कूप में भड़की थी, इसके बाद आग पास में बनी झोपड़ी में भड़क गई थी। आग किन कारणों से लगी इसका पता फिलहाल नहीं लगा है, लेकिन आगजनी की घटना से उसका गृहस्थी सहित तो खाने पीने के सामान चलकर खाक हो गया, जिससे उसे करीब 80,000 रुपये का नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत सोनर के बढ़िया मजरा पे भीषण आग लग गई थी, लेकिन नगर पंचायत हमारे संदीप महेश्वरी जी द्वारा गाड़ी भेजी गई और तुरंत आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। मैं पुनः ग्राम पंचायत सोनर की तरफ से आदरणीय भाई साहब संदीप महेश्वरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारी पंचायत के लिए नगर पंचायत से मशीन भेजी और एक बड़े हादसे से हम लोग बच गए। धन्यवाद।